नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कशन किया था ट्राइथेनोलेमाइड के बारे में। आज के इस वीडियो उसके बाद हमने डिस्कशन किया था सोडियम बेंजोएट के बारे में, और आज के इस वीडियो में बात करेंगे फॉस्फोरिक एसिड के बारे में। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, इसका कौन कौन से प्रोडक्ट में उपयोग किया जाता है और कितनी मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है। तो फॉस्फोरिक एसिड एक कमज़ोर अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक एसिड है, जिसका रासायनिक सूत्र H3PO4 होता है। यह रंगहीन, गंधहीन और चिपचिपा तरल होता है। इसे मुख्य रूप से फॉस्फेट उत्पादन, खाद्य परीक्षक यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव और साफ सफाई उत्पादों में किया जाता है। अभी हमारा जो मेन कंसेप्ट है, यह है क्लीनिंग प्रोडक्ट। तो क्लीनिंग प्रोडक्ट में इसका क्या काम है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। क्लीनिंग प्रोडक्ट में फॉस्फोरिक एसिड का उपयोग सबसे पहले हो गया स्केल और रस्ट रिमूव, यानी कि जो स्केल हो गया, जो क्षार जो जम जाता है पानी का, तो पानी का क्षार जमता है उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, साफ़ सफाई के लिए और गंदगी साफ करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। सो स्केल और रस्ट रिमूव, यह कैल्शियम, मैग्नीशियम और लोहे के जमाव को घोल देता है। धातु की सतह की सफाई यानी कि मेटल सरफेस क्लीनिंग, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जहाँ पे अगर सफाई देनी हो तो उसके लिए फॉस्फोरिक एसिड का उपयोग भी किया जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है उसकी मात्रा कितनी रखनी है, आगे इसकी मात्रा पे भी डिस्कशन करेंगे। धातु पर जमी जंग और ऑक्साइड परत को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और तीसरा हो गया पीएच स्तर नियंत्रण करता है। कई डिटर्जेंट और क्लीनर में इसका उपयोग पीएच को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट है उसमें आप पहले पीएच कितना रख रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से क्लीनिंग प्रोडक्ट में इसका उपयोग होता है। तो सबसे पहले हो गया टॉयलेट क्लीनर। टॉयलेट क्लीनर में जो बाथरूम की सफाई होती है, जैसे टाइल्स वगैरह पे जो रेड हार्पिक होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, ब्लू हार्पिक पे भी उसका उपयोग किया जाता है। ये मैं हार्पिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन नाम हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्पिक की जो ब्रांड है उसमें फॉस्फोरिक का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं एक समझने के लिए मैं हार्पिक का यूज़ कर रहा हूँ। बाकी नॉर्मली जो ब्लू टॉयलेट क्लीनर होता है और रेड टॉयलेट क्लीनर होता है, दोनों में इसका उपयोग होता है बाथरूम की टाइल्स वगैरह पे जो गंदगी लग जाती है उसको हटाने के लिए। उसके बाद हो गया मेटल क्लीनर, मशीनरी और पाइप, जंग हटाने और सतह की चमक बनाए रखने के लिए। पाइप वगैरह होते हैं या कुछ मशीनरी होती है मेटल की, उसको साफ़ करने के लिए भी फॉस्फोरिक का यूज़ किया जाता है। कई बार जंग लग जाता है तो जंग को हटाने के लिए फॉस्फोरिक का यूज़ किया जाता है। डिश वॉशिंग क्लीनर, फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, जमी हुई चिकनाई और खनिज जमाव को हटाता है। डिश वॉश की पावर इंप्रूव करता है, लेकिन ये निर्भर करता है आप प्रोडक्ट का पीएच कितना रख रहे हो, क्योंकि डिश वॉश डिटर्जेंट जैसे प्रोडक्ट में पीएच बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो पीएच का स्टेबल भी ज़रूरी है। और डिस्केलिंग एजेंट यानी कि बॉयलर हीटर, कैल्शियम और मैग्नीशियम स्केल हटाता है। जो भी बाथरूम वगैरह टाइल्स होती है, नल होते हैं जिसके ऊपर कैल्शियम मैग्नीशियम के जो पानी के क्षार जम जाते हैं उसको हटाने के लिए भी फॉस्फोरिक का यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ हद तक इसका यूज़ किया जाता है इसकी पूरी फॉर्मुलेशन के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि डायरेक्ट फॉस्फोरिक यूज़ कर लो, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड की मात्रा, तो टॉयलेट क्लीनिंग में 10 से 25% में आप इसका उपयोग कर सकते हो, यानी कि 100 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक आप उसका उपयोग कर सकते हो। सीधे टॉयलेट बाउल में डाले, 15 से 20 मिनट बाद ब्रश से रगड़े, ये डायरेक्ट उपयोग है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट में इसका मेज़रमेंट अलग हो जाएगा। आप एज अ फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ डायरेक्ट टाइल्स वगैरह साफ़ करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हो। उसके बाद हो गया मेटल डिस्केलिंग, 20 से 30%, ब्रश या स्प्रे से लगाए फिर धो ले। जो भी मेटल पे जंग वगैरह लग जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसको हटाने के लिए भी 20 से 30% फॉस्फोरिक का यूज़ किया जाता है, बाकी इसकी फॉर्मुलेशन पे होता है। इंडस्ट्रियल डिश क्लीनर, इसमें 5 से 15% के बीच में यूज़ होता है, गर्म पानी में मिलाकर उपकरणों को सफाई करें। अब यह निर्भर करता है भाई आपका फॉर्मुलेशन क्या है, उसके ऊपर इसकी मात्रा 5 से 15% के बीच में आप रख सकते हो। उसके बाद हो गया बॉयलर हीटर डिस्केलिंग, सर्कुलेशन क्लीनिंग के ज़रिए अंदर से साफ़ करें, तो इसमें उपयोग होता है 10 से 20%। कुछ ऐसे मशीनरीज वगैरह होते हैं वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इसकी सावधानी देख लेते उपयोग करने के लिए भी, और अगर आप बैच बनाना भी चाहते हो तो भी फॉस्फोरिक एसिड के लिए दस्ताने, चश्मा और मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि इसकी स्मेल कई बार नाक को तकलीफ़ दे सकती है
अगर बाई चांस ये स्किन पे लग गया तो भाई स्किन जला देगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। इसका अगर एसिड की बात की जाए तो 2 से 3 तक का इसका पीएच होता है। बच्चों और जानवरों से दूर रखें, और एक खास कभी भी अमोनिया या ब्लीच जैसे उत्पादों के साथ मिलाकर उपयोग ना करें। कई बार लोग प्रोडक्ट बनाने के लिए इन प्रोडक्ट उपयोग करते हैं ऐसे केमिकल का, तो उसमें खास ध्यान रखना है अमोनिया या ब्लीच हो यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड हो तो उसके साथ मिलाकर उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका कुछ अलग रिएक्शन भी होता है जो कि हार्मफुल हो सकता है। अब इसका अगर नॉर्मली सारांश देख ले तो रासायनिक नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड, उपयोग रश रिमूवल, स्केल रिमूवल, धातु की सफाई, सांद्रता 5 से लेकर 30% तक उपयोग के अनुसार, यानी कि जो भी आपका फॉर्मुलेशन हो उसके ऊपर। और सावधानी है, सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग करें, सही मिलावट अनुपात रखें, सही मिलावट ज़रूरी है। ये एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है फॉस्फोरिक एसिड के बारे में। आगे और भी केमिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन आएगी, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है जिससे कि आपको पता चलता है कि आपके बैच में अगर आपको कोई भी केमिकल की मात्रा बढ़ानी है या घटानी है तो आप कब कर सकते हो, जब आपको उसके बारे में सही से पता हो। और अगर आपको सही तरीके से ट्रेनिंग लेनी हो, प्रोडक्ट बनाना सीखना हो, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। मैं कंप्लीट प्रोसेस प्रोडक्ट बनाना सिखाता हूँ। धन्यवाद।